देखिए आप जो है क्लास आते हैं 2 से 7 बजे तक आपका क्लास रहता है, 3 से 7 रहता है वो हम जान रहे हैं, लेकिन आप पहले आ जाते हैं थोड़ा लेट से 5 घंटा, ठीक है। और कुछ लोग टेस्ट भी देते हैं, कुछ लोग टेस्ट नहीं देते हैं, और हम बार बार बोल रहे हैं जो बैच में पढ़ाते हैं वो खाना है और टेस्ट पानी है, दोनों मिश्रण होगा तभी पचेगा, तभी स्वस्थ रहिएगा, मतलब तभी रिजल्ट होगा अंतिम तौर पर। अब करना है या नहीं करना वो आप अपना जानिए, हमको कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन दिखाना हमारा काम है, करना है नहीं करना है वो आप जानिए। अगर आप सुनिए समझिए, अगर आप सिर्फ बैच करते हैं डेली बेसिस पर जो बैच में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन कीजिए सेम डे में, उसके बाद क्वेश्चन बैंक कीजिए, उसके बाद जो मॉडर्न में होमवर्क देना शुरू किया है उसको कीजिए, इतना काम आप कीजिए और अच्छे से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, प्यार से कीजिए, और वहां से ऐसे कीजिए कि अगर वहां से प्रश्न आए तो छूटे नहीं, वहां से हमसे कोई भी प्रश्न दे हमसे छूटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से कीजिए। एक चीज एक बार में नहीं हो रहा दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, उसी को बार बार कीजिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है लेकिन जितना करना है बहुत अच्छे से करना है। तो अब नया तरीका से होमवर्क भी देना हम शुरू कर रहे हैं और पूछेंगे भी, और सप्ताह में 5 रोज होमवर्क और 2 रोज रिवीजन, सैटरडे संडे पूरा रिवीजन, फिर से जो सप्ताह भर में होमवर्क किया उसी का रिवीजन करना है सैटरडे संडे, समझ गए। ये चीज है, ऐसे करके आप काम कीजिए और आगे आने वाले 15 से 15 दिन के भीतर जो टॉप 100 बॉयज होंगे और जो टॉप 100 गर्ल्स होंगे लाइब्रेरी टेस्ट में चोरबा चोरनी सब सबका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में पास कीजिएगा तब लाइब्रेरी अलॉट होगा, और इंटरव्यू में हम क्वेश्चन पूछेंगे अपने से बैठ करके, समझ गए। और जितना पढ़ाए हैं उतना से क्वेश्चन पूछेंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जितना पढ़ाए उतना से ही पूछेंगे, अगर जवाब दे दिए संतोषजनक लाइब्रेरी अलॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ गए। आप डाल डाल तो हम 5-5 चलते हैं, समझे। अभी 15 को लड़का का मोबाइल जो है 15-20 को मोबाइल है हमारे पास, सब डेली आकर के मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल नहीं मिलेगा, सब मोबाइल को हम बेचने जा रहे हैं 1000-2000 करके।